हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में, इसका बी स्पोर्ट्स। तो आज हम बात करेंगे एफसी चैंपियंस लीग में एफसी गोवा के ओपोनेंट्स के बारे में, मतलब एफसी चैंपियंस लीग में एफसी गोवा के ग्रुप में जितने भी टीम्स हैं उनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल ज़ोरा एफसी के बारे में। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि अल ज़ोरा एफसी एंड अल वादा एफसी के बीच में मैच होगा एंड इन दोनों में से कोई एक ही एफसी गोवा के ग्रुप में जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल ज़ोरा एफसी के बारे में। तो अल ज़ोरा एफसी एक इराकी स्पोर्ट्स क्लब है एंड इराकी प्रीमियर लीग उन्होंने 14 बार जीता है, मतलब सबसे ज्यादा बार अल ज़ोरा एफसी ने इराकी प्रीमियर लीग जीता है। मतलब हम लोग बेसिकली अल ज़ोरा एफसी को इराक का जुवेंटस बोल सकते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं मैं बाद में आपको बता दूंगा। एंड इराक एफए कप अल ज़ोरा एफसी ने 16 बार जीता है। तो इराक में अल ज़ोरा एफसी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड अगर हम लोग एफसी चैंपियंस लीग का बात करें तो ऑलरेडी अल ज़ोरा एफसी ने 5 बार एफसी चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट किया है एंड ग्रुप स्टेज से ज्यादा उनका बढ़िया परफॉर्मेंस रहा नहीं है आज तक। एफसी कप में अल ज़ोरा एफसी ने 4 बार अपीयरेंस किया है एंड जोनल सेमीफाइनल्स उनका हाईएस्ट या फिर आप बोल सकते हो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है जो कि 2017 में उन्होंने किया था। एंड एफसी चैंपियंस लीग का हम बात कर रहे हैं तो एफसी चैंपियंस लीग में उन्होंने टोटल 42 मैचेस खेला है, 19 मैचेस जीता है एंड 9 मैचेस ड्रॉ हुआ है एंड 14 मैचेस हारा है अल ज़ोरा एफसी ने। एंड ये मैं बता दूं 2002 से पहले एफसी चैंपियंस लीग नहीं होता था, एक दूसरा कॉम्पिटिशन होता था वो भी यहाँ पे पकड़ लिया गया है एंड उस कॉम्पिटिशन में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है 4th। एंड अल ज़ोरा एफसी के मैनेजर है रधी सेनाई सिल। तो रदी सेनाइसिल एक इराक के प्लेयर रह चुके हैं एंड इनके अंडर अल ज़ोरा एफसी ने 5 मैच खेला है, तो कुछ बहुत ज्यादा मैच खेला नहीं है अल ज़ोरा एफसी ने रदी सेनाइसिल के अंडर एंड वो 5 ही मैचेस एक्चुअली जीता है अल ज़ोरा एफसी ने। एंड अगर हम लोग इराक प्रीमियर लीग का बात करें तो इस सीजन में अल ज़ोरा एफसी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, करेंटली वो 2nd पोजीशन में है। उन्होंने टोटल 16 मैचेस खेला है जहां पे उन्होंने 8 मैचेस जीता है, 7 मैचेस उन्होंने ड्रॉ किया एंड 1 मैच हारा है एंड करेंटली वो 2nd पोजीशन में। तो इराक प्रीमियर लीग में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड अगर उनके कुछ की प्लेयर्स की हम बात करें तो उनके सबसे की प्लेयर है अला अब्दुल ज़ारा। तो अला अब्दुल ज़ारा इराक के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से एक है, इराक के 5th सबसे ज्यादा नेशनल टीम कैप्ड प्लेयर है अला अब्दुल ज़ारा। एंड अब्दुल रहीम एंड हुसैन अली भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लेयर है अल ज़ोरा एफसी के, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी टीम है अल ज़ोरा एफसी। एंड अल ज़ोरा एफसी के पास 3 फॉरेन प्लेयर्स भी है, सो डेफिनेटली ओवरऑल अल ज़ोरा एफसी का परफॉर्मेंस इराक में तो काफी अच्छा रहा, इराक के प्रीमियर लीग में काफी अच्छा रहा है, बट एफसी चैंपियंस लीग में उतना अच्छा नहीं रहा है। इसी के वजह से मैंने उनको बोला है कि ये बेसिकली जुवेंटस है इराक के, क्योंकि जुवेंटस का परफॉर्मेंस इटली में काफी अच्छा रहा है बट यूएफए चैंपियंस लीग में हम सबको पता है कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा नहीं है रिसेंट टाइम में। एंड देखने लायक होगा कि क्या अल ज़ोरा एफसी अल वादा एफसी को हरा पाते या नहीं। तो अब हम बात करते हैं अल वादा एफसी के बारे में। तो अल वादा एफसी एक अबू धाबी का क्लब है एंड उन्होंने यूएई प्रो लीग 4 बार जीता है एंड अल वादा एफसी का एफसी चैंपियंस लीग में 12 अपीयरेंस है एंड उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था 2007 में जब वो सेमीफाइनल्स तक गए थे। तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है अल वादा एफसी के पास एफसी चैंपियंस में खेलने का। एंड अल वादा एफसी के मैनेजर है मार्क वोटी। तो मार्क वोटी जो कि एक नेदरलैंड के कोच है एंड उन्होंने साउथहैम्पटन जैसे टीम को भी मैनेज किया है, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मैनेजर है मार्क वोटी। एंड अल वादा एफसी के पास 11 फॉरेन प्लेयर्स है, तो बहुत ही ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स है अल वादा एफसी के पास एंड 7 नेशनल टीम के प्लेयर है। तो ओवरऑल अल वादा एफसी का जो टीम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेनली उनका जो स्टार्टिंग लाइनअप है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एंड उनके टॉप प्लेयर्स है टीम मेटेस। तो टीम मेटेस एक स्लोवेनिया के प्लेयर, उन्होंने पीएसवी एंड बुंडेसलीगा में भी खेला है एंड उनका मार्केट वैल्यू है 166.64 मिलियन रुपीज। तो एक बहुत ही हाई मार्केट वैल्यू है टीम मेटेस का, अगर मैं आपसे इसे नहीं बोल पा रहा तो उसके लिए सॉरी। एंड उसके बाद पी एम पोकू जो कि कॉन्गो के प्लेयर है, उन्होंने टॉटेनम हॉटस्पर्स जैसे क्लब में खेला है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है पी एम पोकू। एंड तीसरे जो सबसे बड़े प्लेयर है अल वादा एफसी में वो है उमर खरीबिन। तो उमर खरीबिन सीरिया के प्लेयर है एंड उन्होंने अल हिलाल जैसे क्लब में खेला है, मेनली उमर खरीबिन ने अरेबियन कंट्रीज में ही खेला है। तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है उमर खरीबिन एंड उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बट टीम मेटेस एंड पी एम पोकू का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा है अल वादा एफसी में। उनका अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है एंड इस सीजन अरेबियन गल्फ लीग, अब मैं बता दूं अरेबियन गल्फ लीग एंड यूएई प्रो लीग
एक चीज होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है। एंड अरेबियन गल्फ लीग में इस सीजन में अलवादा एफसी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। 14 मैचेस उन्होंने खेला है, 6 मैचेस जीता है, 4 मैचेस ड्रॉ हुआ है, 4 मैचेस हारा है अरेबियन गल्फ लीग में अलवादा एफसी ने। एंड करेंटली वो 7th पोजीशन में है। तो डेफिनेटली अगर मुझसे पूछा जाए कि अल ज़ोरा एफसी वर्सेस अलवादा एफसी में कौन जीतेगा, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा अलवादा एफसी एक बहुत ही बड़ा अपर हैंड रखते, क्योंकि अल ज़ोरा एफसी का परफॉर्मेंस वैसे भी एफसी चैंपियंस लीग में कुछ खास रहा नहीं है। एंड अलवादा एफसी का परफॉर्मेंस एफसी चैंपियंस लीग में काफी अच्छा ही रहा है। शायद उन्होंने अभी तक एक भी एफसी चैंपियंस लीग फाइनल्स नहीं खेला है, बट सेमीफाइनल्स तक वो गए हैं। एंड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है अलवादा एफसी के पास। सो मेरे हिसाब से अलवादा एफसी वर्सेस अल ज़ोरा एफसी के मैच में अलवादा एफसी ही जीतेंगे। मतलब आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अल रायान एफसी के बारे में। तो अल रायान एफसी मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब में से एक है एफसी गोवा के ग्रुप में। एंड अल रायान एफसी एक कतार का क्लब है, एंड कतार स्टार लीग उन्होंने 8 बार जीता है, एंड कतार कप उन्होंने 6 बार जीता है। एंड एफसी चैंपियंस लीग में अल रायान एफसी ने 5 बार अपियरेंस किया है, एंड बहुत ही बढ़िया क्लब है अल रायान एफसी। उनका रिसेंट परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड अल रायान एफसी के जो मेन देखने लायक चीज है वो है अल रायान एफसी के मैनेजर, उनके कोच लॉरेंट ब्लैंक। तो लॉरेंट ब्लैंक एक फ्रांस के कोच है, एंड उन्होंने पीएसजी एंड फ्रांस के नेशनल टीम को तक मैनेज किया है। तो बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास लेवल के कोच है लॉरेंट ब्लैंक। एंड एज अ प्लेयर उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप एंड यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप तक जीता है। तो एक बहुत ही हाई लेवल कोच है लॉरेंट ब्लैंक, एंड उनके अंडर अल रायान एफसी का परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है मैं बोलूंगा। एंड अल रायान एफसी के पास है एफसी गोवा के ग्रुप में सबसे बड़ा प्लेयर यासीन ब्राहिमी, बहुत लोग उनको जानते भी है। यासीन ब्राहिमी ने एफसी पोर्टो में बहुत साल खेला है, यूएफए चैंपियंस लीग खेला है, लालीगा खेला है, लीग वन खेला है। तो बहुत ही बड़े प्लेयर है यासीन ब्राहिमी, और उनका मार्केट वैल्यू है 833.20 मिलियन रुपीज। तो कुछ आईएसएल कुछ नहीं, एटलीस्ट बहुत सारे आईएसएल के क्लब्स को अगर हम लोग टोटल भी करेंगे तो उनका मार्केट वैल्यू भी यासीन ब्राहिमी से थोड़ा सा कम ही होगा। एंड बहुत ही ज्यादा हाई मार्केट वैल्यू है यासीन ब्राहिमी का, एंड रीजन है, डेफिनेटली रीजन है, बहुत ही टॉप लेवल के प्लेयर है यासीन ब्राहिमी। अल्जीरिया का नेशनल टीम का ओके 50 से ज्यादा मैचेस खेला है यासीन ब्राहिमी ने, एंड वर्ल्ड कप भी खेला है, एंड अफ्रीकन नेशंस कप में यासीन ब्राहिमी ने एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अल्जीरिया का। ओके तो डेफिनेटली बहुत बड़े प्लेयर है यासीन ब्राहिमी। एंड अल रायान एफसी के पास 5 फॉरेन प्लेयर्स है, एंड 2 नेशनल टीम के प्लेयर है, एंड कुछ टॉप प्लेयर्स अगर मैं बोलूँ तो वो है योहान बोली एंड गैब्रियल मर्काडो। तो गैब्रियल मर्काडो ने सेविला जैसे क्लब में भी खेला है। एंड अल रायान एफसी का परफॉर्मेंस कतार स्टार लीग में इस सीजन में अच्छा ही रहा है मैं बोलूंगा। उन्होंने 15 मैचेस खेला है, 7 जीता है, 4 हारा है, एंड 4 मैचेस ड्रॉ में एंड हुआ है। सो एक काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है अल रायान एफसी का कतार स्टार लीग में, एंड डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स में से एक है अल रायान एफसी एफसी गोवा के ग्रुप में। एंड मैं डेफिनेटली वेट कर रहा हूँ कि यासीन ब्राहिमी एफसी गोवा के मैच में खेलेंगे, एंड डेफिनेटली एक काफी बड़ा मोमेंट होगा वो एफसी गोवा के लिए भी। मतलब अल रायान एफसी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं पर्सिपोलिस एफसी के बारे में। तो पर्सिपोलिस एफसी एक ईरानियन क्लब है, एंड मेरे हिसाब से एफसी गोवा के ग्रुप में सबसे बड़ा क्लब है पर्सिपोलिस एफसी। शायद पर्सिपोलिस एफसी में कोई बहुत बड़ा फॉरेन प्लेयर नहीं है, बट उनके पास जो ईरानियन प्लेयर्स है वो सब वर्ल्ड कप खेल के आए। तो बहुत ही सारे ईरानियन प्लेयर्स है पर्सिपोलिस एफसी के पास। एंड पर्सियन गल्फ प्रो लीग पर्सिपोलिस एफसी ने 13 बार जीता है, एंड ये सबसे ज्यादा बार जीता है पर्सिपोलिस एफसी ने पर्सियन गल्फ प्रो लीग। एंड हस्फी कप 6 बार जीता है पर्सिपोलिस एफसी ने। तो बहुत ही बड़े क्लब है पर्सिपोलिस एफसी, एंड ईरान में उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। 2 बार एफसी चैंपियंस लीग के फाइनल्स तक वो गए, बट अभी तक एक भी बार वो लोग जीत नहीं पाए, दोनों ही बार वो हार गए, रनर्स अप हुए। एंड उनके मैनेजर है याया गोल मोहम्मदी, एंड याया गोल मोहम्मदी ईरान के एक टाइम पे नेशनल टीम के प्लेयर थे, एंड काफी बढ़िया मैनेजर भी है याया गोल मोहम्मदी। एंड उनके टीम में बस एक ही फॉरेन प्लेयर है जो कि गोलकीपर बोजीदार रेडोसेविक, एंड उनके जो टॉप प्लेयर है वो है जलाल हुसैनी। तो जलाल हुसैनी को आप बोल सकते हो वो ईरान के लेजेंड है फुटबॉल में, एंड बहुत ही ज्यादा बड़े प्लेयर है जलाल हुसैनी। एंड जलाल हुसैनी को छोड़ के वाहिद अमीरी, ईसा अले कसीर, अरमान रामेजानी जैसे प्लेयर्स भी है पर्सिपोलिस एफसी के पास। एंड
इस साल गल्फ प्रो लीग में वो करेंटली सिक्स पोजीशन में है। उन्होंने 11 मैचेस खेला है, 4 जीता है, 6 मैचेस ड्रॉ हुआ एंड 1 मैच वो हारे। बट पर्सिपोलिस एफसी ने सारे टीम से 2 मैचेस कम खेला है एंड पर्सिपोलिस एफसी अगर वो 2 मैच जीतते हैं तो वो नंबर 1 पोजीशन में चले जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा बड़े क्लब है पर्सिपोलिस एफसी एंड मेरे हिसाब से पर्सिपोलिस एफसी के अगेंस्ट में जब एफसी गोवा खेलेंगे तो एक काफी हिस्टोरिक मोमेंट भी होगा ये इंडियन फुटबॉल के लिए। एंड ये चारों क्लब देखने के बाद आपको भी पता है कि एफसी चैंपियंस लीग बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है एफसी गोवा के लिए, चाहे वो कोई भी क्लब हो। एंड एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है एफसी गोवा से, एटलीस्ट एक अच्छा फाइट अगर एफसी गोवा देंगे तब भी चलेगा, बट डेफिनेटली एक फाइट हम लोग देखना चाहते हैं एफसी गोवा के साइड से। एंड जुआन फेरांडो ने भी बोला है कि वह काफी बढ़िया फाइट देंगे एफसी चैंपियंस लीग में एंड डेफिनेटली एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडियन फुटबॉल के लिए। एंड एज बिकॉज अभी आप सबको एक आइडिया हो चुका है कि ये चारों क्लब्स कितने ज्यादा हार्ड है, आप इन चारों में से किस क्लब के अगेंस्ट एफसी गोवा को देखने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।